हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। और आज मैं तुम्हारे क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके चार साइड्स होते हैं। पहले तो तुम्हें पॉलीगॉन जानना पड़ेगा। पॉलीगॉन क्या है? ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, फिगर मेड बाय जॉइनिंग लाइन सेगमेंट। तो कोई एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके क्लोज, क्लोज मतलब क्या, जैसे ये देखो, ये हो गया, ये भी एक लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट, चौथा लाइन सेगमेंट। तो ये कैसे हैं? क्लोज हैं, कहीं भी ओपन जगह नहीं है। तो ओपन कैसे होते हैं, ये देखो, ये होते हैं ओपन, ये ओपन होते हैं, ये इंक थोड़ा नहीं लगा, छोड़ो। हाँ, ये ज्वाइन नहीं है, मतलब ओपन है, यहां पे स्ट्रेट कर देता हूं, हाँ ओपन है। तो ये नहीं है पॉलीगॉन, पर ये है। वैसे ही क्या ये एक पॉलीगॉन है? बिल्कुल है। इट्स अ ट्राइंगल, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर क्लोज्ड बाय फोर साइड्स और फोर लाइन सेगमेंट, समझ गए। तो ये क्या क्वाड्रिलेटरल है सर? क्या इसमें चार साइड्स हैं? 1, 2, 3, 4, हाँ ये भी क्वाड्रिलेटरल है। जो भी पॉलीगॉन जिसमें चार साइड्स हो उसको हम एक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जबकि ये नहीं है, क्या ये तो एक कर्व लाइन है? ये भी नहीं है, या फिर ये भी नहीं है। क्या ये एक पॉलीगॉन है? देखो ये नहीं है, क्योंकि ये भले ही इतना एरिया क्लोज है पर ये ऊपर वाला एरिया ओपन है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है। तो समझ गए पॉलीगॉन क्या है, उसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया, इसको नोट करो। इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो पॉलीगॉन में तीन साइड्स होते हैं ट्राइंगल कहते हैं। ये मैंने भी ये थोड़ा क्लोज छोड़ दिया तो पर मिटा दे रहा हूं। देखो इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे पेंटागन आते हैं जिसके पांच साइड्स होते हैं, हेक्सागन आते हैं जिसके सिक्स साइड्स होते हैं। तो उसके बारे में एक टेबल बना के मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो देखो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में पहले कौन सा पॉलीगॉन जिसके तीन साइड हैं? सबसे पहले तो मिनिमम हमें तीन साइड चाहिए ही चाहिए पॉलीगॉन के लिए, दो से ज्यादा ही होने चाहिए पॉलीगॉन में। तो तीन वाले को बोलते हैं ट्राइंगल। इसमें साइड तो 1, 2, 3 तीन होते हैं, पर वर्टिसेस, ये जो पॉइंट्स है 1, 2, ये भी 3 होते हैं, समझ गए। वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसमें चार साइड्स हो, ये सेम है बोल के कोई गारंटी नहीं है, ऐसा बड़ा कोई छोटा भी हो सकता है, पर चार साइड्स के द्वारा ये क्लोज होना चाहिए, समझ गए। चार वर्टिसेस इसके भी होते हैं, फोर साइड्स के साथ साथ फोर वर्टिसेस भी होते हैं। देन पेंटागन, पांच साइड जिसके होते हैं उसको पेंटागन कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इसके भी पांच वर्टिसेस हैं और साइड 1, 2, 3, 4, 5 फाइव साइड्स एंड फाइव वर्टिसेस। व्हिच हैव फाइव साइड्स एंड फाइव वर्टिसेस? पेंटागन हैज। अब देखो हेक्सागन, हेक्सागन जिसके छह साइड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वर्टिसेस भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। साइड्स भी छह हैं और वर्टिसेस भी छह हैं। अब देखो हेप्टागन जिसके सेवन साइड्स और सेवन वर्टिसेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन वर्टिसेस एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन साइड्स और सेवन वर्टिसेस होते हैं किसके पास? हेप्टागन के पास। उसके बाद कौन सा आता है? एट साइड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट साइड्स एंड एट वर्टिसेस जिसके पास होते हैं उसको हम ऑक्टागन कहते हैं। उसके बाद आता है नोनागन जिसके नौ साइड्स और नौ वर्टिसेस होते हैं, मीन्स नाइन साइड्स एंड नाइन वर्टिसेस, नाइन साइड एंड वर्टिसेस, वर्टिसेस जितने साइड्स भी उतने। डेकागन में 10 साइड्स और 10 वर्टिसेस, 10 वर्टिसेस। अब इतना तक ही नाम है क्या सर? जिसके 11 होंगे तो उसके बाद क्या है? कोई पर्टिकुलर नाम है, जैसे तीन को ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये पर्टिकुलर नाम है। पर इसके बाद अगर 11 साइड्स वाला आया तो तुम लिखना 11 gone, 12 gone, 13 gone, एन साइड्स आया एन गॉन, मतलब 100 वाला आया तो 100 gone, 150 gone, 150 gone,
ऐसे लिखना, समझ गए? तो इतना दूर तक पर्टिकुलर नाम था जो मैंने बता दिया है. सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और इसको याद कर लो, बाद में मुझे बताना नहीं पड़े कि ये 7 साइड्स हैं तो हेप्टागन है. मैं बोलूं हेप्टागन तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए कि इसके 7 साइड्स 7 वर्टिसेस होती हैं, समझ गए? सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज डायगोनल्स. जैसे पॉलीगन पढ़े, 3 वाले को क्या बोलते हैं, 4 वाले को क्या बोलते हैं, 5 वाले को क्या बोलते हैं, सब बता दिया, याद कर लिए. अब दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं दिलाता रहूंगा, पर इतने अच्छे से याद करो कि एग्जाम में आए तो सोचना ना पड़े कि इसके साइड्स कितने होते हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं. जितने साइड्स उतने वर्टिसेस, और नाम तो पता है ना, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, समझ गए? सब लिखवा भी दिया था. अब देखो डायगोनल्स, तो डायगोनल्स क्या है, अगर इसके डेफिनेशन में जाऊं तो डायगोनल्स है इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये एक ऐसा एक लाइन सेगमेंट है जो जॉइन करता है किनको, जॉइनिंग टू, दो, क्या दो, टू नॉन कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब पास पास, और नॉन कंसेक्यूटिव मतलब बिना पास वाले, थोड़े दूर दूर, नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स. तो डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है जो दो नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को एक पॉलीगन में ज्वाइन करता है. जैसे मान लो मैं क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल लेता हूं, असल में ट्राइंगल में डायगोनल्स नहीं बन पाते. ये मान लो एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर है नहीं बोलूंगा, क्वाड्रिलेटरल है. तो ये पॉइंट्स का कंसेक्यूटिव पॉइंट कौन कौन सा है, मान लो नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस, हो गया. एबीसीडी भी दे सकते हो तुम्हारे मन से, कोई भी नाम देने पर कोई मतलब नहीं है, तुम जो मर्जी नाम दे सकते. तो जो पॉइंट पी है, इसके कंसेक्यूटिव पॉइंट कौन कौन से, इसके पास वाले, तो इसके पास वाले मतलब ये होगा एक क्यू और दूसरा एस. तो इसका नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट जो कंसेक्यूटिव नहीं है कौन बचा, आर. तो डायगोनल क्या होगा, पी आर, समझ गए? वैसे आर का देखो, आर का कंसेक्यूटिव पॉइंट क्यू और एस है, नॉन कंसेक्यूटिव पी, तो ये भी डायगोनल बन रहा है. और देखो अभी क्यू का, क्यू का कंसेक्यूटिव पॉइंट कौन कौन से हैं, एक है आर, दूसरा पी, और नॉन कंसेक्यूटिव एस, तो ये भी एक डायगोनल बनेगा. समझ गए कैसे डायगोनल बनता है, नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसी को हम डायगोनल कहते हैं, समझ गए ना? तो समझ गए, ये 4 वाला था, अभी 5 वाला एक ड्रॉ करते हैं. देखो ये इधर 1 2 3 4 5, ये होंगे 5 साइड्स, 5 पॉइंट्स. तो नाम दे दो ए बी सी डी और ई, हो गया ए बी सी डी ई. अब इससे क्या, इसके कंसेक्यूटिव पॉइंट, इसके डायगोनल ड्रॉ करेंगे. तो कोई भी नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट, जैसे ए के कंसेक्यूटिव कौन है, ई और बी, सी और डी क्या है, उसके नॉन कंसेक्यूटिव, तो ये हो गया एक डायगोनल, ये हो गया एक डायगोनल. अब देखो पॉइंट ई का, तो ई का कंसेक्यूटिव कौन है, एक ए है दूसरा डी है, तो ये भी नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट है सी, तो इससे भी एक डायगोनल बन जाएगा. बी भी नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट है, मतलब पास नहीं है, तो इससे भी एक डायगोनल बन जाएगा. अब डी का देखते हैं, देखो डी का कंसेक्यूटिव कौन है, ई और सी, ए नहीं है और बी नहीं है, तो ए से तो ऑलरेडी बना हुआ है, बी से एक बना देते हैं, पूरा स्टार बना रहे हैं, तुम अगर इमेजिन कर सको तो देखो. अब सी के नॉन कंसेक्यूटिव कौन कौन से होंगे, कंसेक्यूटिव कौन कौन से हैं देख लो, डी और बी, ई और ए नहीं है, तो ई से भी बना हुआ है, ए से भी बना हुआ है. वैसे बी का कंसेक्यूटिव ए और सी है, नॉन कंसेक्यूटिव ई और डी दोनों से बना हुआ है. तो समझ गए, किसी भी नॉन कंसेक्यूटिव, वो फिगर कोई भी क्यों ना हो, हेक्सागन हो, तो उसमें भी जो जो पास वाले पॉइंट्स नहीं है ना. और देखो ए और बी में तुम चाहो तो भी डायगोनल ड्रॉ कर सकोगे, नहीं कर सकोगे, ड्रॉ करके देखो ये पूरा साइड बन जाएगा. यहां पे भी ड्रॉ करके देखो, पी क्यू या फिर पी एस में ड्रॉ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. अरे ये तो लाइन ऑलरेडी बना हुआ है ना साइड का, डायगोनल अब कहां से बनेगा, ये तो साइड हो गया, समझ गए? इसलिए ये जो डेफिनेशन है ये ट्रस्टेबल है, ये तुम एग्जाम में लिख सकते हो. अब एक देखो, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर,
जैसे कि इसका नाम है अंग्रेजी में इंटीरियर, मतलब हिंदी में अगर बोलूं ये अंग्रेजी शब्द का मीनिंग तो होता है अंदर, और एक्सटीरियर मतलब बाहर। तुमने सुना भी होगा इंटीरियर पेंट, एक्सटीरियर पेंट, इंटीरियर टाइल, एक्सटीरियर टाइल, बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, फ्लोरिंग भी होती है पार्ट्स, तो वैसे पॉलीगन का भी। तो इंटीरियर मतलब क्या, अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। वैसे ये ट्राइंगल ही ले लो, कोई भी फिगर ले लो, तो ये ट्राइंगल का जो साइड्स है इसके जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अंदर वाला, इसको बोलते हैं इंटीरियर पार्ट्स, और ये जो बाहर बचा जितना भी उसको बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट। जैसे तुम्हारा जो एक प्लॉट होगा जहां पे घर होगा, या फिर फ्लैट है तुम्हारा, तो जो फ्लैट होगा उससे बाहर का जो जगह है तुम्हारा प्लॉट या फिर फ्लैट का बाहर, वो क्या है, तुम्हारा नहीं है, एक्सटीरियर है। पर तुम्हारा जो घर है या फिर प्लॉट है या फिर फ्लैट है उसके अंदर वाला एरिया तुम्हारा इंटीरियर जगह है। समझ गए, समझ गए। अब देखो और एक चीज कि द इंटीरियर पार्ट्स होती हैं उनका एक बाउंड्री होता है। जैसे तुम्हारा घर का भी हो गया, फ्लैट का भी हो गया, दीवार तो है ना, वही बाउंड्री है। वैसे यहां पे एक अगर मैं क्वाड्रिलेटरल भी बनाता हूं तो ये भी क्या है, बाउंड्री है इसकी। ये अंदर वाले पार्ट का एक बाउंड्री है जबकि बाहर वाले पार्ट का बाउंड्री नहीं होता एक्सटीरियर पार्ट का। ये एक पॉइंट नोट रखने वाला है। इसी के साथ ये दो डायगोनल्स और इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट्स वाला टॉपिक खत्म होता है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन इन द कॉपी। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, देखो चलो हेडिंग लगा लो पहले की कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये लेंस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस भी तुम पढ़ने वाले हो तुम्हारे क्लास 10 लाइट चैप्टर में, मैं ही पढ़ाऊंगा, चैनल पे वीडियो भी अपलोडेड है जो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइंस में आएगा, फिजिक्स में। अब यहाँ पे देखो कि ये फिगर्स होती क्या, तो सबसे पहले कॉनकेव, कैव मतलब गुफा, गुफा कैसा होता है, अंदर की तरफ हम घुस सकते। तो ऐसा कोई भी पॉलीगन जहां पे इसका साइड अंदर की तरफ घुस रहा हो, जैसे देखो ये वाला फिगर मान लो, ये हो गया ये वाला फिगर, ये कैसा फिगर है, कॉनकेव। कैसा है, कॉनकेव, क्योंकि ये पार्ट्स तो नॉर्मल है पर यहां पे देखो इसका साइड थोड़ा घुस गया है अंदर की तरफ। अगर बोले तो गाड़ी का फिगर कैसा है, नॉर्मल गाड़ी, नॉर्मल जो कार है उसका फिगर कैसा होता है, कन्वेक्स होता है, क्योंकि वो बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ रहता है। पर जब गाड़ी ठुक जाए और वो अंदर जो घुस जाता है उसका कोई भी पार्ट, तो तब वो कैसा बन जाता है, कॉनकेव। और कॉनवेक्स कैसा दिखता है, चलो दिखा देता हूं तुम्हें, ये मान लो ऐसा कुछ है, ये ऐसा है, ये रुको रुको रुको, ये मैं मानना गलती हो जाता, हाँ ये है कॉनवेक्स। यहां पे कोई भी जगह अंदर घुसा हुआ नहीं लग रहा होगा, या तो स्ट्रेट है या तो बाहर निकला हुआ है, घुसा हुआ नहीं है, पर वहां पे देखो स्ट्रेट घुस रहा है। जैसे ये वाला फिगर भी बोला जाता है कि कॉनकेव बोला जाता है, देखो इधर भी कुछ घुसा हुआ है और कुछ उभरा हुआ। अगर बना बना के देखना चाहते हो तो देख लो ये वाला, तो ये भी कैसा है, कॉनवेक्स है। इधर जो दो फिगर ड्रॉ किए वो कॉनवेक्स है, उधर वाला कॉनकेव है। क्यों, जो अंदर घुसा हुआ होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं, जो बाहर उभरा हुआ होता है उसे कॉनवेक्स बोलते हैं। इवन पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल सारे कैसे होते हैं, कॉनवेक्स होते हैं। पैरेललोग्राम मतलब ये वाला जो डायग्राम होता है ना, देखो ये हो गया इधर और ये हो गया इधर, हाँ ये वाला जो फिगर है ये भी कैसा है, कॉनवेक्स है, ये भी कॉनवेक्स माना जाता है। अगर स्ट्रेट है, बाहर नहीं निकला है फिर भी नॉर्मल है, तो भी वो कॉन्वेक्स माना जाता है। पर कुछ ऐसा फिगर, या फिर तुम यही ले लो एग्जांपल, देखो ये हुआ, अब ये वाला फिगर ले लो, या फिर दो डबल वाला भी फिगर हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला भी फिगर कैसा है, कॉनकेव है। ये फिगर तो सर उभरा हुआ लग रहा है देखो दोनों पार्ट्स, पर इनके बीच गैप रह जा रहा है। अगर ऐसा होता तो नहीं होता, देखो अगर ऐसा होता ना तो कॉनवेक्स होता, पर ऐसा हो गया बोल के कॉनकेव में हम ले रहे हैं इसको, समझ गए। तो किसी भी तरह से हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अंदर घुसा हुआ है, ठुका हुआ है गाड़ी, जैसे गाड़ी ठुकता है तो अंदर घुस जाता है,
वैसे कोई फिगर अगर हो तो वो कनकेफ है, नहीं तो उभरा हुआ या फिर प्लेन है तो उसको कन्वेक्स माना जाता है। तो ये टॉपिक खत्म होता है, इसको समझ लो अच्छे से। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले तो देखो, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन क्या होती है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो अगर इसका डेफिनेशन बोलूं, द पॉलीगन व्हिच इज इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। इक्विएंगुलर मतलब इक्वल एंगल वाला, जिसके सारे एंगल इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्विएंगुलर। और इक्विलेटरल मतलब इक्वल्स लेटरल, मतलब साइड्स, जिसके इक्वल साइड्स लिख देता हूँ इक्विलेटरल की जगह, तुम ज्यादा समझोगे, या फिर इक्विलेटरल खुद से लिख सकते हो। व्हिच इज इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल लिखते हैं यार, टर्म ही ठीक होगा, पर तुम समझ जाओगे। इक्विलेटरल का मतलब होता है, इक्विलेटरल का मतलब होता है कि सेम साइड, इक्वल साइड। जैसे एग्जांपल लेता हूं एक स्क्वायर का, ये मान लो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, 1, 2, 3, 4, और ये जो एंगल है सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं, मतलब चारों एंगल सेम है और चारों साइड्स भी इक्वल है। सो इट इज इक्विलेटरल एच वेल एच इक्विएंगुलर, सो इट इज ए रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर कौन सा होता है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ये भले ही इसका एंगल सारे 90 डिग्री है, सेम है, पर ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, मतलब चारों साइड इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसलिए रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्या ये रेगुलर पॉलीगन है, एक ट्राइंगल जिसका तीनों साइड सेम हो वो रेगुलर होता है, पर इसके तीनों साइड सेम नहीं दिख रहे हैं तो इसलिए ये भी रेगुलर नहीं है। तो जिसके भी साइड इक्वल हो, एक ट्राइंगल है मान लो ऐसा इक्विलेटरल वाला, जिसके तीनों साइड इक्वल है, नहीं दिख रहा पर मान लो कि है, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाते हैं और ये एक रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। समझ गए रेगुलर इरेगुलर क्या होता है। अरे जिसके तीनों साइड्स या फिर चार साइड, पेंटागन है तो पांचों साइड्स और पांचों एंगल, जितने भी एंगल होंगे उसमें, अगर सेम है तो वो कैसा है, रेगुलर है, अगर नहीं है तो इरेगुलर। समझ गए, क्लियर है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। तो एक पॉलीगन जो होता है उसमें जितने भी एंगल्स होते हैं, पेंटागन में 5, ट्राइंगल में 3, क्वाड्रिलेटरल में 4, जितने साइड्स होते हैं उतने एंगल होते हैं बोल सकते हैं। तो उन जो एंगल हैं जितने भी हैं टोटल, 3 है 4 है 5 है, अकॉर्डिंग टू पॉलीगन वेरी करेगा, तो उनका सम कितना होगा, ये प्रॉपर्टी होता है, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी। तो देखो, पहले तो सबको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। समझ गए। अब देखो, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल जो होता है ये है एक ट्राइंगल, तो ये कैसा भी हो, ऐसा हो थोड़ा बेंड वाला हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, उसके जो तीन एंगल बनेंगे उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है सर, तो हम निकालेंगे भाई जैसा भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो तुम। तो कैसे निकालते हैं, कि इसको ट्राइंगल में तोड़ना है, तो अगर मैं यहां पे एक डायगोनल खींच दूं तो ये ट्राइंगल में बंट जाएगा, कितने ट्राइंगल बने, और ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल बनेंगे, दूसरे ट्राइंगल में ये वाले एंगल बनेंगे, तो दो ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल, मतलब ये और ये मिलके 180 होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके भी 180 होगा, दोनों मिल जाएंगे तो टोटल 360 डिग्री होगा। कुछ क्या करते हैं, नमूने होते हैं, कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे, ऐसे सर ने डायगोनल डाल दिया, हमने भी ऐसे एक डायगोनल डाल दिया, अब चार ट्राइंगल बन रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का सम तो 180 इंटू 4 यानी कितना होना चाहिए, 180 और 400 और 8 4 320, हाँ 320 प्लस 400 यानी 720 होना चाहिए, 360 क्यों। तो बता देना चाहूंगा उनको कि देखो, ये जो ट्राइंगल बना, इनके एंगल को देखो,
इस पहले वाले ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल फिर ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल ये एंगल ये एंगल, देखो सारे एंगल को थोड़ा देखो, इनका सम कितना होगा 720 डिग्री होगा जितने भी एंगल मैंने दिखा। पर हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखो ये चार एंगल क्वाड्रिलेटरल के हैं, 1 2 3 4 ये चार एंगल क्वाड्रिलेटरल के हैं। यहां से क्वाड्रिलेटरल के एंगल के बाहर कोई एंगल नहीं है, पर यहां पे देखो ये जो गोला बना है ये एंगल हमें नहीं चाहिए, हमें तो बस ये चार चाहिए। तो क्या करेंगे, 720 माइनस ये जो बीच में है एक सर्कल एक राउंड जो होता है उसको 360 डिग्री माना जाता है, तो ये भी निकल के 360 आ गया। तुम पांच में भी तोड़ दो 360 आएगा, पर ऐसे तोड़ोगे तो इजी होगा, दो ट्राइंगल सीधा सीधा बन रहे हैं। ऐसे ट्राइंगल बनाना कि जिसके एंगल ये क्वाड्रिलेटरल हो पेंटागन हो उसके एंगल के साथ ओवरलैप करे, मतलब कॉमन में आ जाए। जैसे यहां पे इसके जितने भी एंगल इनका मिलके हो रहा है ना वो सब किसके बराबर है, ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल के बराबर है, पर यहां पे ये बीच का एंगल एक एक्स्ट्रा आ रहा है उसके वजह से हमें ये काटना पड़ा। जो भी एक्स्ट्रा आएगा उसको तुम्हें काटना पड़ेगा, तो ये अच्छा है ना, काटना की कोई समस्या ही नहीं। अब देखो पेंटागन का अगर तुम्हें पूछ लिया, मान लो कोई पेंटागन है तो पेंटागन का सम कैसे निकालोगे, इसको भी ट्राइंगल में डिवाइड करना। कैसे करना, देखो पहले इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, एक ट्राइंगल बन गया, ये इधर से इधर पूरा एक ट्राइंगल बन गया। अब दूसरा ट्राइंगल कैसे बनेगा, इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 2 3 तीन ट्राइंगल बन गए, तो इसका सम कितना होगा, 180 इंटू 3 इक्वल्स टू 540 हो गया, क्योंकि ये एंगल सारे ओवरलैप करेंगे। देखो ये एंगल सारे ओवरलैप करेंगे, ये 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 फिर ये फिर ये ये, देखो कोई भी एंगल एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, अगर एक्स्ट्रा बन रहा होता तो हमें वो काटना पड़ता। तो कभी कभी एक सवाल दिया है बुक में कि ऐसा एक पेंटागन बना हुआ है, एक राइट पेंटागन है, राइट पेंटागन तो नहीं, एक इक्वल साइड वाला पेंटागन है जिसके सारे साइड इक्वल हैं ऐसा बोला गया है बुक में, और यहाँ पे एक एंगल है एक्स, इसका हमें वैल्यू बताओ बोला है। तो एक बात याद रखना, जब पेंटागन में पांचों साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो पांचों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। और पेंटागन का सम कितना है, टोटल सम कितना है 540। कैसे निकाले थे, ये वाला एक ट्राइंगल और यहाँ पे दो ट्राइंगल, तीनों मिलके कितना हो रहे थे 540। तो हमें क्या निकालना है, एक्स। तो पांच एंगल हैं, पांचों एंगल कैसे हैं, सेम हैं, तो पांच सेम एंगल मतलब एक एंगल का पांच गुना बोल सकते हो 540 है। तो एक एंगल अगर निकालना हो तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, 5 1 जा 0 आ गया, 5 8 जा 40 108 आ गया आंसर। ऐसे निकाल सकते हैं। तुम हमेशा याद रखना कोई भी पॉलीगन तुम्हें दे, हेक्सागन भी दे, तो पहले उसको क्या करना है, ट्राइंगल में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ट्राइंगल में, उसके बाद जितने ट्राइंगल ये देख लेना कि एंगल वहां का कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा है, अगर ओवरलैपिंग एंगल है सारे के सारे। ओवरलैपिंग मतलब क्या, यहां पे देखो तीन ट्राइंगल बनी, ये एक एंगल ये एक एंगल ये एक एंगल, ये पहले ट्राइंगल का, फिर दूसरे ट्राइंगल का 1 2 3 ये तीन एंगल, फिर तीसरे ट्राइंगल का 1 2 3 ये तीन एंगल। तो क्या हुआ, जितने भी एंगल बने मैंने ड्रॉ कर दिया, तो क्या पता चला कि पेंटागन के एंगल कौन कौन से होंगे, ये 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 और ये, तो इनमें से कोई एक्स्ट्रा है क्या, नहीं है, तो ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ छूट तो नहीं गया, वो भी चेक करना हमेशा। ट्राइंगल तुम जब भी ड्रॉ कर रहे हो या फिर उसको ट्राइंगल में डिवाइड कर रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, समझ गए। तो 108 डिग्री कैसे आया पता है, ऐसा नंबर आए तो एग्जाम में फोड़ के आ जाओगे, लिखो कमेंट में, सर फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ के रख देंगे, हो गया। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी, सम ऑफ एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ऑल एक्सटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। तो पहले तो कोई भी पॉलीगन के लिए ये सेम होता है एक्सटीरियर एंगल, कैसे चलो दिखाता हूं। और एक्सटीरियर एंगल कैसा होता है, जैसे तुम्हें मैंने बताया था कि इंटीरियर अंदर वाला, एक्सटीरियर बाहर वाला, तो कोई भी पॉलीगन ले लो, मान लो ट्राइंगल पहले ले लेते हैं, तो जो ट्राइंगल है इसमें एक्सटीरियर एंगल कैसे फॉर्म होता है पता है, देखो ये थोड़ा साइड
आगे चला जाएगा, तो ये जो एंगल बना ये एक्सटीरियर एंगल, फिर ये थोड़ा आगे चला गया तो ये एक एक्सटीरियर एंगल, और ये थोड़ा आगे चला आया तो ये जो बना ये बना एक्सटीरियर एंगल। और हमेशा एक बात याद रखना कि चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल में कैसा बनेगा, वो जैसा बनेगा ये इस प्रकार का, और इधर ऐसे, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल ये क्वाड्रिलेटरल का हो गया। तुम पेंटागन का ले जाओ, ये मान लो पेंटागन का है, ये हो गया तुम्हारा पेंटागन का एंगल, ये फिर ये, तो ऐसे लेना एक्सटीरियर एंगल हमेशा, एक दो तीन और ये एक आएगा चार और ये पांच। तो चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, हमेशा याद रखना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर ऑल पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, ऑल एक्सटीरियर एंगल फॉर ऑल पॉलीगन, वो चाहे कैसा भी पॉलीगन हो, चार वाला हो, पांच वाला हो, छह वाला, मतलब साइड वाला पॉलीगन हो, इस 360 डिग्री, कितना हो 360 डिग्री हो, समझ गए। अब यहां पे देखो, कुछ बच्चे कहेंगे कि ये एंगल नहीं लेते हैं, चलो इसको एंगल लेते हैं, तो तब क्या होगा, तो तब तुम क्या करना, ये एंगल को भी चेंज कर देना, क्या करना, चेंज कर देना, ये वाला ले जाना और इधर भी ये वाला ले जाना, हर एक साइड का एक एक होना चाहिए, हर दो साइड्स के साथ साथ, जैसे इसका इसका हो रहा है, इसका इसका ये वाला एंगल, फिर इसका इसका, तो तीनों साइड्स, दो दो साइड्स का पेयर होना चाहिए, जिस भी साइड से लेना, एक तरफ से क्लॉकवाइज लेना, अगर एंटी क्लॉकवाइज, अगर कंफ्यूज हो रहे हो, देखो यहां पे ये क्वाड्रिलेटरल का ऐसा लिए हो, कुछ बच्चे बोलेंगे कि ऐसे लेंगे, कैसे, ऐसे, ये इधर उधर वाला था, ये इधर वाला हो गया, तब क्या करना, इधर लिए तो इसको भी ऐसे लेना, ये नीचे वाले एंगल को भी ऐसे लेना, फिर ये जो एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, इसको भी ऐसे लेना, ये वाला, फिर ये भी ये वाला लेना, तो देखो एंगल अगर कोई भी अलग कर रहे हो तो सारे अलग होंगे, समझ गए, तो अगर ऐसा हुआ तो ये भी ऐसे 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 एक एक साइड बढ़ता जाएगा, इधर अगर ये लिए तो ऐसे 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 करके आएगा, तो एंगल जिस भी डायरेक्शन में लेना एक ही डायरेक्शन में लेना, अगर चेंज करोगे, एक को ऐसे लोगे दूसरे को ऐसे लोगे तो गलत होगा, समझ गए, तो जो भी लेना एक डायरेक्शन में लेना, और तुम्हें फिगर में ऐसा ड्रॉ करो तो नहीं बोलेगा, मैं बता देता हूं, एक दो एंगल गिवन होंगे और तुम्हें बोलेगा कि जो बचा हुआ एंगल है उसका मेजरमेंट निकालो, तो तुम्हें याद क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल फॉर ऑल पॉलीगन इज 360 डिग्री, इसके रिलेटेड सवाल करा के तुम्हें परफेक्ट बनाने जा रहा हूं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन, मैंने बोला ना क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे मैं तब तक कंफ्यूजिंग लग सकता है, तुम्हें अगर वो कंफ्यूजिंग लग रहा था कोई बात नहीं, अभी सब उतर जाएगा, दो सवाल करेंगे सब उखाड़ के रख देंगे सारे डाउट्स। अब देखो यहां पे एक फिगर दिया गया है और बोला है फाइंड मेजर ऑफ एक्स इन फिगर, एक्स कौन सा है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल का मेजरमेंट एक्स है, तो देखो ये चारों कैसे है एक्सटीरियर एंगल है, सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल है, इसमें ये निकला फिर ये निकला फिर ये, फिर ये सही डायरेक्शन में है, और हमें क्या पता है वो पॉलीगन चाहे ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल पेंटागन कोई भी क्यों ना हो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, मतलब इसके एक्सटीरियर एंगल 90 प्लस 50 प्लस 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू 360 माइनस, ये कितना होगा 110 प्लस 90 200 प्लस 50 इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू 110 डिग्री, मिल गया हमें एक्स फटाक से, फिर आ गया एक्स का वैल्यू, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, समझ गए, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री, तो हमने सारे एक्सटीरियर एंगल को प्लस कर दिया तो हमें 360 मिलना चाहिए, तो अभी यहां से टर्मिनेट करके जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हमने ऐसा करके एक्स का वैल्यू
निकाल दिया, आसान था। अब पॉज करके नोट करो, और एक भी सवाल करेंगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो वो भी उड़ जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन व्हिच ईच एक्सटीरियर एंगल हैज ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो पहले समझो क्वेश्चन को कि फाइंड नंबर ऑफ साइड्स एक पॉलीगन का, कैसे पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन क्या था, जिसके साइड्स भी सारे सेम होंगे और एंगल भी सारे सेम होंगे। समझ गए, अगर अंदर के एंगल सेम है ना तो बाहर के एंगल ऑटोमेटिकली सेम ही हो जाते हैं। समझ गए, व्हिच ईच एक्सटीरियर एंगल हैज ए मेजर ऑफ 45 डिग्री, और बोला गया है जो एक्सटीरियर एंगल भी सेम होंगे तो वो जो सेम एंगल है उसका मेजरमेंट कितना है, ईच एंगल का 45 डिग्री। और तुम्हें एक बात पता होना चाहिए कि चाहे वो कैसा भी पॉलीगन हो, उसके नंबर ऑफ साइड्स जितने भी होते हैं, दैट आर द नंबर ऑफ एंगल्स ऑल्सो एंड दैट्स आर द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑल्सो। अगर कोई पेंटागन है तो उसमें 5 साइड्स होते हैं, 5 एंगल होते हैं, 5 वर्टिसेस होते हैं। समझ गए, तो वैसे ही कितने 45 डिग्री मिलने पर 360 डिग्री होगा, मीन्स सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, वो कितने 45 डिग्री के एंगल बनेंगे, वो कितने एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होंगे कि उतने 45 मिलने पर या फिर उससे 45 को मल्टीप्लाई करने पर हमें 360 मिलेगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 45 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो यहां से हमें मिल गया कि वो जो फिगर है उसके कितने साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं, 8 एंगल हैं, 8 वर्टिसेस हैं, मींस वो फिगर एक ऑक्टागन है। कितना आसान था, क्लास हो गया, क्लियर हो गया ये टॉपिक। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट आर काइट्स, हाँ वो पतंग, उड़ाने वाला पतंग, वही पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे मान जा खींचेंगे नहीं, उसके डिमेंशन पढ़ेंगे। सो बिफोर आई मूव टू दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। काइट्स बोला था, काइट्स इसी के अंदर आता है, देखो धीरे धीरे करके। तो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, जिसके चार साइड्स होते हैं, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, समझ रहे हो। तो पहला टाइप जो हम देखने वाले हैं दैट इज ट्रापीजियम। पहला कौन सा टाइप, ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम का अगर डेफिनेशन मानो तो बोलो गए क्वाड्रिलेटरल। ट्रापीजियम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए तो उसी के अंदर आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो टोटल कितने पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स, उनमें से एक, टोटल 4 पेयर्स नहीं, टोटल 4 साइड्स होते हैं, पेयर्स 2 होते हैं, क्योंकि पेयर मतलब जोड़ा, समझ रहे हो। साइड्स कितने होते हैं, 4, और पेयर्स कितने, 2, उनमें से एक पेयर मतलब उसमें से एक जोड़ा, मतलब दो लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो चलो दिखाता हूं एग्जांपल, कुछ ऐसा दिखेगा, ये हो गया एक लाइन, ये हो गया एक लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होते हैं, वो लाइन, कौन सा लाइन, वो लाइन जो इक्विडिस्टेंस है, मतलब इधर से इधर जितना डिस्टेंस होगा इधर से इधर भी उतना डिस्टेंस होगा, ये होता है एक पैरेलल लाइंस। तुम कैसे भी ज्वाइंट कर सकते हो, कोई लाइन छोटा हो बड़ा हो हमसे, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें फर्क पड़ेगा तो ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल होना चाहिए, समझ गए। और एक कैसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये भी क्या है, ट्रापीजियम है, क्योंकि इसके वन सेट ऑफ लाइंस आर पैरेलल। क्या ये एक ट्रापीजियम है जो रेक्टेंगल होता है, तो एक बात बता देता हूं, जो रेक्टेंगल होता है उनमें दोनों पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, पर ट्रापीजियम में क्या बोला है, विद वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब भले ही दो है, सुनो एक कंपटीशन है, वहां पे बोला गया है कि आप फिफ्थ पास करना आपके लिए जरूरी है या फिर सिक्स्थ क्लास, कोई सेवेंथ पास बच्चा है तो वो इसे दे सकता है कि नहीं दे सकता है, दे सकता है, क्योंकि उसने सिक्स्थ वाले ही पास किया है पर फिफ्थ भी उसके साथ पास कर रखा है। तो वैसे ही इसमें एक पेयर ऑफ लाइंस क्या है, पैरेलल है, दूसरे हो ना हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक लाइन पेयर पैरेलल्स है तो ये एक ट्रापीजियम है, दूसरे हैं
तो भी अच्छे, नहीं है तो भी अच्छे, समझ गए, तो भी ट्रापेजियम वो कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी काइट्स। तो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट नाउ। सो काइट्स, नेक्स्ट टाइप इज काइट्स, मैंने ड्रॉ करके रखा है। काइट्स क्या होते हैं? काइट्स आर क्वाड्रिलेटरल। ये भी क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली डिस्टिंक्ट। ये क्या है? अगर टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो अभी यहां पे दिखा के बता, डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लाइंस इक्वल्स। तो ये इसका डेफिनेशन है, पेयर ऑफ लाइंस इक्वल। तो देखो, डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर होते हैं, डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ लाइंस इक्वल। चलो इसको कंसेक्यूटिव कर देते हैं, क्योंकि ये जो लाइंस इक्वल होंगे ये पास पास के होंगे। डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ लाइंस इक्वल। तो आप देखो, ये डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ लाइंस होते क्या है? तो ये फिगर में आ जाओ, यहां पे देखो, ऐसे ये चार साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है। तो ऊपर के जो पास पास के कंसेक्यूटिव लाइंस है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। वैसे ही ये नीचे वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो जो डिस्टिंक्ट कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ लाइंस होगा वो इक्वल होता है काइट्स में। जैसे यहां पे देख लो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल है, बस ऊपर के होंगे बोल के नहीं है, ऐसे कंसेक्यूटिव है डिस्टिंक्ट, और ये वाला दो इक्वल है। ऊपर नीचे करके भी मत समझना, साइड में भी हो सकता है। अब और एक देखो, कुछ ऐसे काइट्स ड्रॉ करते हैं। क्या ये काइट्स है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कोई भी ना, ये इसके साथ सेम दिख रहा है, ना ये इसके साथ, ना ही ये इसके साथ, ना ये इसके साथ, पास पास के कोई सेम नहीं है कंसेक्यूटिव पेयर, तो ये काइट नहीं है। कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। क्या ये काइट है? नहीं है, क्योंकि ये दोनों भले ही इक्वल हो पर ये दोनों नहीं है, इसलिए ये काइट नहीं होगा। काइट कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, समझ गए, ऑब्जॉर्व कर लिए। काइट्स कोई पूछे तो ये लिख पाओगे? डेफिनेशन याद कर लो, रट लो, जो करना है करो, पर अगर पूछा जाए तो लिखने के लायक रहो, समझ गए। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी आर गोइंग टू स्टडी इज पैरेललोग्राम। जैसा नाम वैसा काम, काम तो नहीं वैसा प्रॉपर्टी या फिर वैसा डेफिनेशन बोल सकते हो। पैरेललोग्राम, पहला क्या है? पैरेलल। तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन ये है कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ, क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा पॉलीगन है जिसके चार साइड्स हैं, विथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, विथ ऑपोजिट्स पैरेलल साइड, ऑपोजिट्स पैरेलल, ऑपोजिट्स विथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसा दिख सकता है। बहुत से टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने दिखाया, कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें ऑपोजिट साइड कैसे हो? पैरेलल हो। तो यहाँ पे देखो, ए बी सी डी नाम दे देता हूँ, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट साइड है, ए बी का ऑपोजिट सी डी, ये इक्विडिस्टेंस है हर जगह से इधर नापोगे जितना होगा, इधर से इधर नापोगे भी उतना होगा, समझ रहे हो बात को? तो ये क्या है? पैरेलल है ऑपोजिट साइड। और ट्रापेजियम में क्या होता था? बस एक ही पेयर पैरेलल होते थे, पर यहां पे ये एसी भी बीडी के साथ पैरेलल होगा, यहां से यहां जितना डिस्टेंस, यहां से यहां भी उतना डिस्टेंस, समझ गए। तो इसको कहा जाता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में और एक चीज होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एच वेल एच ऑपोजिट, ओपीपी लिख दे रहा हूं, साइड्स आर इक्वल ऑल्सो, ये इक्वल भी होते हैं, मतलब ए बी विल बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए सी विल बी इक्वल्स टू बी डी, समझ गए पैरेललोग्राम में क्या होता है। तो अभी कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे ऑपोजिट साइड मतलब सामने का साइड, समझ गए। अब ऑपोजिट एंगल मतलब एंगल ए है तो एंगल का ऑपोजिट एंगल एंगल डी होगा, वैसे एंगल सी का ऑपोजिट एंगल एंगल बी होगा, उसके सामने का एंगल। और जैसे इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज तुम्हें याद रखना है क्या कि इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास का एंगल। एंगल बी के लिए एडजेसेंट एंगल कौन होंगे, एंगल ए और एंगल डी। जैसे पास पास के बटे से एडजेसेंट साइड्स होता है, वैसे ही एडजेसेंट एंगल होता है। एंगल बी के लिए कौन कौन से हैं एडजेसेंट एंगल, एंगल ए एंड एंगल डी। समझ गए? तो ये तीनों बातें याद रखो, ये जो बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एडजेसेंट एंगल क्या है जान लो, उसके प्रॉपर्टी भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट, हाँ पैरेललोग्राम बहुत लंबा है, इसी का बहुत सारे डिविजन में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसके एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद पैरेललोग्राम फिर बहुत से टाइप्स में, जैसे क्वाड्रिलेटरल बहुत से टाइप्स के होते हैं ना, पैरेललोग्राम का भी बहुत सा टाइप्स होता है, तो वो सब डिस्कस करें। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम सवाल करेंगे, क्या पूछा है सवाल में, फाइंड पेरिमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS जिसका फिगर तुम्हें गिवन है। और यहां पे देखो ये वाला साइड गिवन है, पर तुम्हें पता है कि पेरिमीटर क्या होता है, ये चारों साइड्स जो हैं इनके मेजर का सम, मतलब ये चारों साइड्स का जितना भी मेजरमेंट होगा इनका सम इसका पेरिमीटर होता है। पर हमें तो बस दो का दिया है, पर प्रॉपर्टी से हमें पता है कि इन्हें पैरेललोग्राम ओपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये SR का ऑपोजिट PQ, तो ये भी 12 cm हो जाएगा, और ये QR का ऑपोजिट PS, ये भी 7 cm हो जाएगा। तो अभी हमें चारों साइड्स मिल गए हैं, तो पेरिमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सम करके चारों को मिला दो, 12 + 7 + 12 + 7, और ये करीबन आंसर आ जाएगा 12 + 7 = 19, 19 + 12 कितना होगा 31, 31 + 7 = 38। तो ये आ गया तुम्हारा पेरिमीटर 38 cm आ गया। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। अभी एक दो सवाल ही करेंगे, सारे जो प्रॉपर्टी पढ़े ना, ओपोजिट एंगल इक्वल, ओपोजिट साइड इक्वल, उससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स करके फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए प्रॉपर्टी of a parallelogram that adjacent angle of a parallelogram, ऐसे सिंबल में लिख देता हूं, ये पैरेलल सिंबल है, GM लिख दिया, तुम ऐसे मत लिखना, PARALL एग्जाम में पैरेललोग्राम ही लिखना स्पेलिंग के साथ, PARALL, देखो लिख देता हूं पैरेललोग्राम हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब ए पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी याद है, नहीं याद है तो याद दिला देता हूं, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तब हम उन दोनों एंगल को सप्लीमेंटरी एंगल बोलते हैं। चलो पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जाए, ये हो गया पैरेललोग्राम, मान लो ABCD है इनका नाम, ये हो गया पैरेललोग्राम, ABCD है इनका नाम। अगर ले हम एंगल B का नाम, तो इसका एडजेसेंट कौन होगा बताओ तुम, नहीं बना, थोड़ा शायरी बना रहे थे, नहीं चलो चलो, एंगल B का एडजेसेंट कौन कौन होगा जो पास का होता, जैसे एंगल C, तो एंगल B प्लस एंगल C विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये इस प्रॉपर्टी का कहना है। ऑपोजिट तो सेम होते हैं, एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल डी, पर जो एडजेसेंट है एंगल बी एंगल सी, एंगल बी एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल ए आर ऑल्सो एडजेसेंट एंगल, सो इट विल बी ऑल्सो सप्लीमेंटरी 180 डिग्री। और एंगल बी और एंगल डी कैसे हैं, ऑपोजिट एंगल हैं जो कि इक्वल तो होते ही हैं। तो ये जानना था, इसके रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम करके इसको भी सट आउट करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, समझ गए नोट करो आप। So now we are going to the next question, that is find XYZ in parallelogram ABCD. तो XYZ क्या है, तीन एंगल्स हैं, हमें एक एंगल गिवन है 60 डिग्री बोल के, अभी हमें इससे तीन एंगल निकालना है। तो देखो पहले तो ये पता है कि पैरेललोग्राम में ओपोजिट एंगल सेम होते हैं, सो एंगल डी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी, दैट इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों वाई, क्योंकि ये ओपोजिट एंगल है, और ओपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, समझ गए।
अब देखो एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल सी, पर उससे पहले एक चीज पता कर लो कि एंगल डी के साथ एंगल ए क्या है, सप्लीमेंटरी एंगल है, सॉरी सप्लीमेंटरी एंगल है, क्योंकि ये एडजेसेंट है, पास पास वाले एंगल हैं, तो इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल डी कितना है 60 डिग्री प्लस एंगल ए, एंगल ए का वैल्यू कितना है, एंगल ए जेड है, सो दिस इंप्लाइज 60 डिग्री प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। और ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि जेड एक्स के साथ बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ओपोजिट एंगल हैं। तो हमें मिल गया कि एक्स और जेड का वैल्यू 130 डिग्री है जबकि वाई का वैल्यू 60 डिग्री है। इसी के साथ इस सवाल को निपटा दिया। पहले क्या एंगल ओपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, दूसरा क्या एडजेसेंट एंगल, ये वाला हो या फिर ये वाला हो, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज सप्लीमेंटरी, ये दो प्रॉपर्टी से ये सवाल सॉल्व हो गया। ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो फोड़ के आ जाओगे, फोड़ के आ जाओगे ना, पूरा अच्छे नंबर ले गया ना, इस बार मैथ में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए। मेरे आते थे 8 में आसानी से आ जाते हैं यार, हमारे टाइम में उस समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होता था 40 मार्क्स से होता था फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA1 FA2 बोलते थे, और समेटिव असेसमेंट 60, मेरा फुल आ जाता था। बिकॉज 8 क्लास के चैप्टर में अगर तुम्हारे मैथ में मार्क्स नहीं आएंगे तो 10th में क्या आएंगे यार, 10th का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, 8 बहुत आसान है, समझ गए। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस ए प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, और एक प्रॉपर्टी देखो ये क्या कहता है, एक पैरेललोग्राम में दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो डायगोनल्स किसके, पैरेललोग्राम की, इसका स्पेलिंग लिखवा दिया था, तुम फुल में लिखना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और पैरेललोग्राम इन बाइसेक्ट मतलब इक्वल दो टुकड़े में काटना एक दूसरे को, बाइसेक्ट इच अदर एट इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां पे ये कट होते हैं दोनों दो हिस्से में बढ़ जाते हैं। देखो डायग्राम में समझाऊंगा, समझ जाओगे, एक पैरेललोग्राम चलो ड्रॉ करते हैं पहले, तो ये हो गया दो लाइन, फिर कैसे करते हैं ये वाला कच्चाक, ये वाला कच्चाक, ये हो गया ए बी सी डी, हो गया पैरेललोग्राम, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये इक्वल, ये इक्वल, हो गया। अब इसमें क्या होगा, दो डायगोनल ड्रॉ करो, ये ए से सी, डायगोनल्स क्या होते हैं पता है ना, डेफिनेशन याद है कि नहीं है, याद होना चाहिए, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट, जो पास पास वाले बी और डी पास पास है, इनको छोड़ के जो पॉइंट बचा उससे ज्वाइन करने को डायगोनल कहते हैं। वैसे और एक डायगोनल बनेगा ये वाला, तो ये बोल रहा है कि ये जो इंटरसेक्ट किए हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर इसको ओ नाम मैं दे दूं तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी डी ओ विल बी इक्वल्स टू ओ बी, तो ये जो डी बी लाइन था ये कितने हिस्सों में बटा, इक्वल दो हिस्सों में, मतलब ये डी ओ जितना होगा ये बी ओ या फिर ओ बी भी उतना होगा, ये कहता है ये पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। अब देखो ए ओ जितना होगा ओ सी भी उतना होगा, तो यहां से और एक चीज पता चल गया कि ए ओ जितना होगा ओ सी भी उतना होगा, समझ गए, ये भी क्लियर हो गया। अब क्या देखना है, ए ओ विल बी इक्वल्स टू ओ सी, तो इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि ये जो बाइसेक्ट हो रहा है मतलब इक्वल दो हिस्सों में, ए सी था पहले, ये ए ओ और ओ सी इक्वल दो हिस्सों में क्या हो गया, बट गया, वैसे ये भी इक्वल दो हिस्सों में बट गया, so this will be equals to this and this will be equals to this, ये तुम्हें जानना है, इसके related numericals लगाने जा रहे हैं, before that pause the video and note it down, अच्छे से नोट करो, समझ गए ना प्रॉपर्टी, वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन, तो इस सवाल का आंसर करेंगे, सवाल करेंगे नहीं, सवाल करेंगे मतलब क्या, सवाल का आंसर फाइंड करेंगे, फाइंड पीओ क्यूओ एसओ किस में, इस फिगर में पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम है, इफ आर ओ इज इक्वल्स टू 4, तो ये जो आर ओ है ये 4 है
और QS is 4 more than PR. तो QS जो है वो कितना है? PR से 4 बड़ा है. So PR plus 4. तो पहले तो ये देखो कि ये जो RO है ये 4 है. हमें पता है कि जब पैरेललोग्राम में दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. मतलब PO will be equals to RO क्योंकि ये बाइसेक्ट हुआ है, will be equals to 4. तो हमें PO RO मिल गया. PR कितना होगा? PO plus RO that is equals to 4 plus 4 equals to 8 बन गया हमारा. अब देखो ये भी 4 आया. अब हमें बोला है कि जो QS है वो PR में अगर 4 और ऐड कर देंगे तो QS मिलेगा. This implies 8 plus 4 that will be equals to 12. हमें अब QS मिल गया. पर हमें क्या QS मांगा है? नहीं, ये QO और SO मांगा है. और हमें पता है कि ये भी जो डायगोनल है ये भी बाइसेक्ट हुआ है, मतलब आधे आधे में बट गया है. सो SO will be equals to QO क्योंकि ये आधे आधे में बटा है ना, will be equals to 12 divided by 2. QS का आधा is equals to 6. मिल गया हमें आंसर. ये क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया. नेक्स्ट वी विल मूव टू, तुम बोल सकते हो टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम या फिर बुक में हेडिंग दिया है सम स्पेशल पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम तो ये हो गया. अब अगर इसके चारों साइड्स 90 डिग्री वाला हो गए तो उसका एक नाम, ऐसे अगर थोड़ा लंबा टाइप का हो गए तो एक नाम, और ये क्या हुए, ये चारों साइड्स इक्वल हो गए बस ऐसे टेढ़े रहे तो वो एक नाम. तो वो सब देखने वाले. बिफोर आई मूव टू दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन. तो इस सवाल का आंसर करेंगे, सवाल करेंगे नहीं, सवाल करेंगे मतलब क्या, सवाल का आंसर फाइंड करेंगे. फाइंड पीओ क्यूओ एसओ किस में? इस फिगर में पी क्यू आर एस जो पैरेललोग्राम है. इफ आरओ इज इक्वल्स टू 4 तो ये जो आरओ है ये 4 है और QS is 4 more than PR. तो QS जो है वो कितना है? PR से 4 बड़ा है. सो PR plus 4. तो पहले तो ये देखो कि ये जो RO है ये 4 है. हमें पता है कि जब पैरेललोग्राम में दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब PO will be equals to RO क्योंकि ये बाइसेक्ट हुआ है, will be equals to 4. तो हमें PO RO मिल गया. PR कितना होगा? PO plus RO that is equals to 4 plus 4 equals to 8 बन गया हमारा. अब देखो ये भी 4 आया. अब हमें बोला है कि जो QS है वो PR में अगर 4 और ऐड कर देंगे तो QS मिलेगा. This implies 8 plus 4 that will be equals to 12. हमें अब QS मिल गया. पर हमें क्या QS मांगा है? नहीं, ये QO और SO मांगा है. और हमें पता है कि ये भी जो डायगोनल है ये भी बाइसेक्ट हुआ है, मतलब आधे आधे में बट गया है. सो SO will be equals to QO क्योंकि ये आधे आधे में बटा है ना, will be equals to 12 divided by 2. QS का आधा is equals to 6. मिल गया हमें आंसर. ये क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लिया. नेक्स्ट वी विल मूव टू, तुम बोल सकते हो टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम या फिर बुक में हेडिंग दिया है सम स्पेशल पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम तो ये हो गया. अब अगर इसके चारों साइड्स 90 डिग्री वाला हो गए तो उसका एक नाम, ऐसे अगर थोड़ा लंबा टाइप का हो गया तो एक नाम, और ये क्या हुए, ये चारों साइड्स इक्वल हो गए बस ऐसे टेढ़े रहे तो वो एक नाम. तो वो सब देखने वाले. बिफोर आई मूव टू दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. Now we are going to study some special parallelogram. मतलब ये भी parallelogram है पर एक फीचर या दो फीचर एक्स्ट्रा है. तो देखो क्या है, पहले हम देखेंगे rhombus. क्या rhombus? बस 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 rhombus. तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज ए parallelogram. इट इज ए parallelogram having ये एक parallelogram है. कैसा parallelogram? जिसके पास क्या है? Having all sides equal. इसके चारों साइड क्या है? सेम है. पर पैरेललोग्राम में बस ऑपोजिट साइड सेम होते थे, इसमें चारों के चारों साइड पूरा सेम है. देखो ये होता है एक पैरेललोग्राम. हो गया. तो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब सेम होंगे. कहां पे? रॉम्बस वाले पैरेललोग्राम. जबकि नॉर्मल पैरेललोग्राम में कैसा होता था?
इसके ये दो साइड सेम होते थे और ये दो सेम होते थे, पर यहाँ पे चारों के चारों सेम हो रहे हैं। समझ गए क्या डिफरेंस है? ये बेसिक डिफरेंस है। और एक दो पॉइंट्स तुम्हें पढ़ना है, और एक दो पॉइंट्स तुम्हें पढ़ना है। एक्चुअली रॉम्बस को प्रॉपरली ड्रॉ करो ना तो कुछ ऐसे पूरा बेंड हुआ रहता है, ये हो गया रॉम्बस, समझ गए? ये और बेंड होगा। सुनो, कोई भी रॉम्बस जो है क्या है, कोई भी पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड कैसे हैं, सेम हैं। ये बेंड होने का उससे कोई नाता नहीं है, बस मैं स्टाइल के लिए बना दे रहा हूं। बुक में बेंड वाला देंगे तो हम भी बेंड वाला बनाएंगे। अब इसमें क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है इसके साथ, पैरेललोग्राम के साथ। बस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो मैं अभी लिखाने जा रहा हूं। क्या है वो प्रॉपर्टी? डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ ए रॉम्बस, रॉम्बस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होते हैं सर? नहीं नहीं सुनो, पूरा लाइन पहले लिख लेना मुझे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर ये तो पैरेललोग्राम में भी था, पर देखो थोड़ा, बाइसेक्टर ऑफ वन एनदर। तो जो तुम्हारे पैरेललोग्राम में था वहां पे बस बाइसेक्टर था, तो उसमें जो दो डायगोनल ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे को आधे आधे हिस्से में बांट देंगे, बाइसेक्ट करके रख देंगे। पर यहां पे क्या डिफरेंस है? यहां पे ये डिफरेंस देखो, तो यहां पे जो डायगोनल ड्रॉ होगा उनके बीच जो इंटरसेक्शन होगा ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। मतलब जो चार एंगल बन रहे हैं वो चारों 90-90 डिग्री के होंगे। ये तो होंगे, उसके साथ साथ क्या होंगे, ये और ये सेम होंगे और ये भी सेम होंगे। बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, पर पैरेललोग्राम में जैसे बाइसेक्ट कर रहे थे आधे आधे हिस्से में बट रहे थे, यहां पे भी बट रहे हैं, वो सेम है। पर ज्यादा क्या हुआ कि वहां पे कोई भी एंगल में जो इंटरसेक्ट हो रहा था, यहां पे सारे एंगल कितने हैं 90 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर। समझ गए? तो ये था रॉम्बस का प्रॉपर्टी। एक सवाल करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो रॉम्बस का रिलेटेड सवाल है, यहां पे हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है। सबसे पहले देखो कि एक रंबस में पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं और उनमें से एक साइड डीसी है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ए बी विल बी इक्वल्स टू बी सी, विल बी इक्वल्स टू सी डी, विल बी इक्वल्स टू डी ए या फिर ए डी। और तुमने देखा कि एक साइड गिवन है जो कि सी डी है या फिर डी सी है बोल सकते हैं। तो हमें पता है कि चारों इक्वल होते हैं रंबस में, तो मैं लिख सकता हूं कि जो जेड है वो क्या है, BC है, और BC will be equals to DC will be equals to 4। एक तो मिल गया Z। चलो अब देखते हैं कि रंबस में तुम्हें क्या पता है, ये पता है कि इसमें भी पैरेललोग्राम की तरह पर यहां पे थोड़ा परपेंडिकुलर होता है, पर डायगोनल दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमें यहां पे देखो गिवन है OC will be equals to 3 और OB will be equals to OB is equals to 5। तो हमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ OA एंड OD। तो हमें पता है कि OC जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये जो OC है ये AO या फिर OA के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बाइसेक्ट किए गए हैं, ये आधा है ये आधा है। तो मैं अभी लिख सकता हूं कि OC विल बी इक्वल्स टू OA, दैट इज इक्वल्स टू Y, दिस इंप्लाइज Y इज इक्वल्स टू 3। Y का वैल्यू भी मिल गया। अब देखो X का वैल्यू, OB किसके बराबर है, इसके जो OD के बराबर है, OB will be equals to OD। क्यों भाई? क्योंकि ये भी bisect किए गए हैं, ये पूरा diagonal को आधे आधे में तोड़ा गया है। So OD भी किसके बराबर है, X के बराबर। This implies X will be equals to 5। तो हमें मिल गया X, Y, Z, shut out हो गया problem। तुम्हें भी अगर exam में ऐसा सवाल आए तो उसको solve आसानी से कर सकते हो, एग्जाम में आए तो फोड़ सकते हो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक होगा रंबस के बाद वाला जो पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का डेफिनेशन लिखो, इट इज ए पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, विथ ऑल एंगल
इक्वल। तो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें चारों के चारों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इनडायरेक्टली बता देता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। इसके भी चार एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री होगा। और यहां पे बोला गया है कि चारों एंगल इक्वल है, तो चारों एंगल मान लो एक एंगल अगर x है तो चारों एंगल 4x लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री, x इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाता है, रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं। तुम ये भी लिख सकते हो इट इज ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल एंगल 90 डिग्री, या फिर वन एंगल 90 डिग्री लिख दोगे तो चार ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाते हैं। कैसे देखो, अगर डी 90 डिग्री हुआ ना, हमें पता है पैरेललोग्राम में ओपोजिट एंगल सेम होता है, तो बी भी 90 डिग्री बन गया। पर सर ए और सी कैसे बनेंगे, तुम्हें पता है कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंटरी होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो सप्लीमेंटरी एंगल मतलब दोनों का सम 180 डिग्री, 180 डिग्री से 90 कट जाए तो 90, ये भी 90, एक एंगल भी 90 हुआ तो चारों 90 हो जाएंगे हर एक पैरेललोग्राम में, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा स्ट्रेट दिखते हैं ऐसे, और ये रॉम्बस जैसा नहीं है, इसके ऑपोजिट साइड ही इक्वल है, ये और ये, समझ गए। इसमें का एक खास जो प्रॉपर्टी है वो मैं दिखा देता हूं, कि वो प्रॉपर्टी ये कहता है कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल। वो बाइसेक्ट वाला थ्योरम तो लगेगा यहां पे, बाइसेक्ट तो यहां पे भी करेगा, पर इसमें और एक चीज तुम्हें ज्यादा मिल जाएगा कि ये जो दो डायगोनल हैं ये एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, ये जितना ये भी उतना, पूरा एंटायर डायगोनल, तो उसके जो बाइसेक्ट फॉर्म होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये चारों के चारों इक्वल हो जाएंगे, समझ गए। क्योंकि इन ए रेक्टेंगल द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल, समझ गए। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ सवाल थोड़ा ही करा देता हूं, उसके बाद वी विल मूव टू स्क्वायर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, नोट कर लो अच्छे से, इसको इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ सवाल आएगा, ये एक रेक्टेंगल है, क्या नाम है इसका, ए बी सी डी दे देते हैं नाम, ए बी सी और डी। तो इसके एक डायगोनल क्या है, 2x प्लस 4 है एडी, और दूसरा डायगोनल जो सी बी है उसका मेजरमेंट 3x प्लस 1 है। तो हमें पूछा है कि x का वैल्यू निकालो, तो रेक्टेंगल में हमेशा याद रखना क्या बोला था प्रॉपर्टी, कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट 2x प्लस 4 विल बी इक्वल्स टू 3x प्लस 1, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल है, क्योंकि एडी विल बी इक्वल्स टू बी सी, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 3x ये 2x को उधर ले जाओ तो 3x था, ये प्लस 2x था उधर जाएगा तो माइनस 2x, और ये 1 को इधर ले आओगे प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस 1, प्लस 4 पहले से है माइनस 1 आया। दिस इंप्लाइज 3 विल बी इक्वल्स टू x, और बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 3, तो हमें x का वैल्यू मिल गया। ऐसा सवाल आए खल्लास कर देना, बहुत ही आसान सवाल था मेरे हिसाब से। रेक्टेंगल में बस एक प्रॉपर्टी याद रखना है कि दोनों डायगोनल सेम होते हैं, उससे कोई भी सवाल आए तुम कर सकोगे। सो बिफोर आई मूव टू द लास्ट टॉपिक दैट इज स्क्वायर, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। तो वो क्वेश्चन अगर थोड़ा समझ में आए तो थोड़ा और एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, थोड़ा स्पीड में ले गया तो, अगर तुम्हें लगता है तो। देखो अभी नेक्स्ट वी विल स्टडी स्क्वायर, दैट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। इसका एग्जाम्पल क्या है, इट इज ए रेक्टेंगल, ये क्या है एक रेक्टेंगल है, पर कैसा रेक्टेंगल है, इट इज ए रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स, जिसके सारे जो साइड्स हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके चारों जो साइड्स हैं वो क्या है सेम है इक्वल है, तो कैसा कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हारा स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। और इसके भी जो एंगल हैं ये कैसे हैं 90 डिग्री होते हैं, देखो चारों एंगल कितने हैं 90 डिग्री, समझ गए। और इसके चारों साइड्स भी इक्वल हैं, पर जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और रेक्टेंगल का जैसा होता है ना क्या होता है डायगोनल सेम होते हैं,
इसके भी डायगोनल क्या है, सेम है, डायगोनल सेम होते हैं। और इसमें एक रंबस का भी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एक रंबस है जिसके एंगल 90 डिग्री है, हम बोल सकते हैं, तो रंबस का भी एक प्रॉपर्टी है। डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल आर, ये परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बाइसेक्टर। तो चलो दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ये जो डायगोनल ये इधर से इधर आया, इसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और ये जो इधर से गया, इनके बीच जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो चारों जो एंगल फॉर्म होंगे वो कितने कितने डिग्री होंगे, 90-90 डिग्री। इसका सारे एंगल भी 90 डिग्री हैं और जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है वो भी 90 डिग्री है, और डायगोनल सेम है जैसे कि रेक्टेंगल में था, ये भी समझ गए। बाइसेक्टर है, कैसे बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम, और क्या, साइड सारे इक्वल है। तो यही प्रॉपर्टी तुम्हें याद करनी है। इसके बाद एक सवाल लगाएंगे, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये तीन चीजें याद रखो अच्छे से, क्या कि इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होते हैं। इससे बहुत कुछ सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज मैं लिखा देना चाहूंगा कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये लिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता चलना चाहिए। हाँ, प्रॉपर्टी में दिया भी नहीं है बुक में, पर लिख देना चाहिए आर 90 डिग्री, जैसे कि रेक्टेंगल में भी होता था, वहां पे भी मैंने लिख दिया था बुक में, बस नॉर्मली दे दिया है कैसे 90 डिग्री हो रहा है, नहीं लिखा है, पर परफेक्टली इसको याद कर लो, समझ गए। ये चारों पॉइंट याद करो, एक सवाल लाऊंगा फटाक से करके दिखाऊंगी, मैं कराऊंगा अभी तुम्हें, हो जाएगा मतलब ये याद करने से। तो देखो, फाइंड OA, OD एंड OC ऑफ स्क्वायर ABCD वेयर OB इज 3। तो ये एक स्क्वायर है ABCD, इसमें OB गिवन है हमें 3 और बाकी जो OA है, OD है, OC है, हमें निकालना है। तो पहले देखो, ये बहुत आसान है, मैंने तुम्हें बोला भी था क्या याद करना है तुम्हें, डायगोनल्स परपेंडिकुलर, वो यहां पे लगेगा नहीं, एंगल का कुछ मामला ही नहीं है, मामला किसका है, डायगोनल का है। और एक क्या था डायगोनल का, कि दोनों डायगोनल सेम होते हैं, और दूसरा क्या था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो यहां पे डायगोनल सेम होते हैं, पहले लगा लो कि डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं देन ओबी विल बी इक्वल्स टू ओडी, ये जो ओबी है ये ओडी के साथ बराबर होगा, मतलब ये अगर 3 है तो ये भी क्या होगा, 3 होगा, एक मिल गया। तो डीबी जो है, या फिर बीडी बोल सकते हो, वो क्या होगा, ओडी प्लस ओबी, ओडी प्लस ओबी, क्योंकि ये जो डीबी है ये पूरा होल है, ये थोड़ा आधा है इसका, ये आधा है, तो मैं लिख सकता हूं 3 + 3 = 6, कौन, डीबी। कैसे हुआ 6, ओडी जो है ये कितना है, 3 हो गया, कैसे, हम निकाल के पाए, और ओबी क्या था, पहले से ही गिवन था 3, और इन दोनों को मिला देने पर ये जो बड़ा लाइन मिल रहा था जिसका नाम हमने डीबी रखा है, वो कितना होगा, इन दोनों का समेशन, जो कि हमें 6 मिला। पता चल गया कैसे हमें मिला। अब नेक्स्ट देखो कि हमें पता है कि स्क्वायर में डायगोनल सेम होते हैं, तो इस स्क्वायर के दो डायगोनल कौन कौन से हैं, एक है डीबी और दूसरा एसी, एसी दोनों डायगोनल कैसे हैं, सेम हैं। तो अगर डीबी 6 हुआ तो एसी भी कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो हमें मिल गया 6। यहां से हमें पता चला है कि ये डायगोनल भी दो इक्वल हिस्से में बटा हुआ है, तो बोल सकते हैं कि जो OA है ये आधा है और OC आधा है, क्योंकि ये दो हिस्से में बटा हुआ है, बाइसेक्ट किया गया है। OA विल बी इक्वल्स टू OC, दैट इज इक्वल्स टू 6/2 = 3। तो जितने भी फाइंड आउट करने के लिए बोले तो वो कितना निकला, OA OC भी 3 निकला और OB भी 3 निकला, मिल गया आंसर, खत्म होता है ये चैप्टर। तो इसी के साथ मुझे लेना पड़ेगा तुमसे विदा। जाते जाते बता देना चाहूंगा कि जाओ यार चैनल में, उसके बाद तुम होम पे जाओगे, उसके बाद थोड़ा स्वाइप करोगे वीडियोस और थोड़ा स्वाइप प्लेलिस्ट, वहां पे पहले सीबीएसई क्लास 10, फिर सीबीएसई क्लास 9, उसके बाद सीबीएसई क्लास 8 आता है, वहां पे जाओ, मैथ साइंस सारे प्लेलिस्ट गिवन है, जो चैप्टर मन करता है देख लो, अपलोड हो रहे हैं,
बहुत से हो भी चुके हैं और बहुत कुछ आने भी वाला है। टोटल सिलेबस कवर कराने का हमारा प्लान है, किसका? तुम्हारे भैया का। कहां पे? तुम्हारे अपने चैनल जगास क्लासेस में। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस के वीडियोस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। और अच्छे से ये चैप्टर तुम्हारा क्लियर हो गया है तो एग्जाम में आए तो बहुत अच्छे मार्क्स आने ही चाहिए।